कोरोना वायरस का एक और मामला सामने आया है पंचकुला में। हरियाणा के पंचकुला में एक और मामला कोरोना वायरस पॉजिटिव का सामने आया है। पंचकुला में कोरोना से ग्रस्त लोगों की संख्या दो हो चुकी है, एक पहले से ही मामला था और ये कहा जा रहा है कि एक स्टाफ नर्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। एक स्टाफ नर्स को कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है। इस वक्त की एक अहम खबर, पंचकुला हरियाणा में एक और कोरोना का मामला सामने आया है। मोहाली में जो शख्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे, उनकी मौत हो गई है। तो वहीं मोहाली नए गांव में, और वहीं पंचकुला की अगर बात की जाए तो पंचकुला में कोरोना से प्रभावित एक और मामला सामने आया है। एक स्टाफ नर्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। इस वक्त की एक अहम खबर, हरियाणा में अगर पूरे हरियाणा की बात की जाए तो 26 हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या, और पंचकुला में अब तक 2 लोग इससे संक्रमित हैं। तो कोरोना पॉजिटिव एक और मामला पंचकुला में सामने आया है। हरियाणा में अब तक 2 लोगों के साथ, पंचकुला में 2 लोगों के साथ पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए तो 26 हो चुकी है संख्या। मोहाली में जो केस सामने आया था सोमवार को, एक बुजुर्ग थे जिनकी उम्र तकरीबन 63 साल की थी, उनकी मौत हो चुकी है। नए गांव का ये मामला है मोहाली में। पंचकुला और मोहाली चंडीगढ़ में ही आते हैं, हालांकि ट्राई सिटी इसको कहा जाता है, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली। तो पंचकुला में अब तक 2 मामले हो चुके हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए फिलहाल मेरे साथ तारा ठाकुर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। तारा, बताया जा रहा है कि जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है मामला, अब वो एक स्टाफ नर्स को हुआ है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचकुला में अब दूसरा जो मामला है कोरोना पॉजिटिव का सामने आया है। पहले एक जो खड़क मंगोली की जो 40 वर्षीय महिला थी, उसमें जो है कोरोना के जो है संक्रमण पाए गए थे और पॉजिटिव पाई गई थी, जिसका उपचार पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में किया जा रहा था, और वहीं पर जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है वहां पर कार्यरत एक स्टाफ नर्स थी जो उस मरीज का जो है उपचार कर रही थी, और उसको भी जो है कोरोना पॉजिटिव जो है पाया गया है। जो स्वास्थ्य अधिकारी है उनका कहना है कि जो मरीज था कोरोना पॉजिटिव का, जो उसका इलाज कर रही थी स्टाफ नर्स, और गलती से कहीं जो मरीज का मोबाइल नर्स द्वारा जो है इस्तेमाल कर लिया गया, जिसके चलते नर्स भी जो है उसके चपेट में आ गई। और क्या एक बार मैं बहुत जल्दी से आप अपनी बात खत्म करें आतारा, क्या इस्तेमाल कर लिया जो जिस मरीज का इलाज कर रही थी नर्स, जो एक मरीज था उसी मरीज के संपर्क में आने से इस नर्स को हुआ है कोरोना? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि जो कोरोना से पीड़ित जो मरीज थी जिसका इलाज कर रही थी, उसी का मोबाइल जो है स्टाफ नर्स द्वारा गलती से इस्तेमाल कर लिया गया, जिसके चलते जो है स्टाफ नर्स भी जो है कोरोना की चपेट में आ गई, और अभी फिलहाल जो है पूरे परिवार को जो है आइसोलेट किया जा रहा है, उसको निगरानी में रखा गया है ताकि ये जो कोरोना का जो संक्रमण है आगे ना बढ़ सके। 6 सदस्य हैं स्टाफ नर्स के जिनको टेस्ट के लिए अस्पताल बुलाया गया है, निगरानी में रखा गया है ताकि ये आगे ना बढ़ सके। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो एक मामला था कोरोना का पंचकुला के अंदर, हरियाणा के पंचकुला के अंदर, और जिस मरीज का इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में और जो नर्स देखरेख कर रही थी, अब उस नर्स को भी कोरोना पॉजिटिव, कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। और ये बताया जा रहा है कि इसके पीछे की जो वजह रही है वो ये रही कि गलती से उस नर्स ने उस मरीज का मोबाइल इस्तेमाल कर लिया था। अब नर्स के परिवार वालों को भी क्वारंटाइन किया गया है, उनकी भी जाँच की जा रही है।